बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाइस्ता इकबाल। कोरोना मॉनिटरिंग सेल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस दुआ से आगाज़ करेंगे कि आज जुमे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से आज़ाद कर दे, हमें माफ़ कर दे और हमसे राज़ी हो जा। बेशक अल्लाह ताला से दुआ तो करनी है, लेकिन हमें एहतियात भी करनी है। ख़ुद को बचाना है इस वबा से। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं आप उस पर अमल करें। तो एहतियात क्या करनी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हराने की ताकत आपके हाथ में है। पहली एहतियात, जरासीम से पाक और साफ रखें अपने हाथ। दूसरी एहतियात, छींक खांसी में अपना चेहरा ढांपे टिश्यू पेपर या बाजू के साथ। तीसरी एहतियात, मुनासिब फासला रखकर करें लोगों से मुलाकात। चौथी एहतियात, बुखार या खांसी और सांस में दुश्वारी पर करीबी डॉक्टर या हुकूमत के कायम करदा हेल्पलाइन से करें बात। तो एहतियात कीजिए, घरों में रहिए और अपने आप को महफूज रखिए, क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लेकिन एहतियात करेंगे तो महफूज रहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज हमारे जो मौजूद मेहमान होंगे वो मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान होंगे। हम उनसे अपडेट हासिल करेंगे। जिल्ले हैदर, हेड ऑफ़ क्राइम डेस्क, हमारे साथ मौजूद होंगे कोरोना मॉनिटरिंग सेल से। इसके अलावा सैयद मोहसिन होंगे हमारे साथ कराची से। इसके अलावा मुजाहिद जाफरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। और इंतज़ार हैदरी इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे, जबकि शाहनवाज शामीर साहब कोयटा के ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना मॉनिटरिंग सेल को लीड करने वाले इकदार अनवर, जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज उनके पास अच्छी क्या खबर है और मजीद क्या अपडेट वो हमें देंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कोरोना मॉनिटरिंग सेल का, जहां पर मौजूद हैं जिल्ले हैदर। जिल्ले, आपसे यह जानना चाहूंगी कि आज ये दूसरा जुमा था और आज भी लॉकडाउन में सख्ती की गई थी। बार बार बताना पड़ता है लोगों को कि आज जुमे का दिन है, घरों में रहिए, महफूज रहिए, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आज जुमे का दिन था और लॉकडाउन की सख्ती का ऐलान जो है गुज़िश्ता रोज़ से ही किया जा रहा था। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे वो वक्तन फवक्तन जो है वो अपने इलाके में ऐलानात भी कर रहे थे और मसाजिद खास तौर पे जुमे के इज्तमात पे पाबंदी लगाई गई थी। तो उसके लिए स्पेशली तौर पर जो है वो मुतलका थाने के जो SHOs हैं या DSPs हैं वो वहाँ पर ऐलानात कर रहे थे। लेकिन उसके बरक्स हमने ये देखा कि पिछले जुमे को भी एक अफसोसनाक सानिया पेश आया था लियाकताबाद में, जहाँ पर मुश्तइल नमाजियों ने जो है वो पुलिस पर तशद्दुद किया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया और गिरफ्तार भी हुई। इस जुमे भी सेम ऐसा ही वाकया पीराबाद में हुआ, जहाँ पे एक लेडी SHO हैं शराफत, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो जैसे ही पीराबाद में हक्कानी मस्जिद पे पहुंची हैं, जहाँ के नमाज जुमा का इज्तिमा हो रहा था, तो उसको मना करने के बरक्स जो है उन पर जैसे ही उन्होंने वहाँ पहुंची है टीम, तो वहाँ के नमाजियों ने मुश्तइल हुए और उनमें उन्होंने शराफत जो SHO हैं लेडी उन पर तशद्दुद किया और दो पुलिस एहलकार जो कि उनके साथ सिक्योरिटी पर तैनात थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकये के बाद जो है इस वक्त पूरा कॉर्डन कर लिया है पुलिस ने। जो SSP हैं फिदा जावरी, उनका कहना यह है कि जो हमले में मुलव्वज़ अफराद थे उनकी निशानदेही हो गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। जी ठीक है। जिले ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और मुकदमात भी बनाए जा रहे थे, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, देखें जब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है तो मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ जो SSPs हैं उनके इलाके में गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, जो कि बिला ज़रूरत लोग घरों से बाहर निकल रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जमानतें भी हुई हैं। लेकिन अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की गई है। अब ये बताया गया है हुकूमत की जानिब से कि अब जो भी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करेगा, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलेगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलते देखे गए हैं, तो इसलिए अब जो है वो उनको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जी ठीक है। जिले, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, कोरोना मॉनिटरिंग सेल से हमें अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इकतदार अनवर, जो कि हमारे साथ कराची स्टूडियो में भी मौजूद है, इकतदार आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की अच्छी खबर आपके पास क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए और अपडेट क्या है इस हवाले से? बहुत बहुत शायद जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी खबर से इब्तदा करें, तो आज की अच्छी खबर यह है कि मजीद 9 पेशेंट जो है वो सिंध में सेहतियाब हुए हैं, उन्होंने सेहतियाबी हासिल की है और मजमू तौर पर अब हमको बताएं कि 358 पेशेंट जो हैं वो सेहतियाब हो गए हैं। साफियों पे क्राइसिस है, मीडिया पे क्राइसिस है, बहुत सारे
اداروں میں تنخواہوں کا پرابلم ہے. تو پنجاب سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی صحافی پنجاب میں کرونا سے متاثر ہوا تو اس کے علاج کے لیے 1,00,000 روپے فوری طور پر حکومت اس کو ادا کرے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا تو اس کے بچوں کی تعلیم کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے وہ 10,00,000 روپے ان کو ادا کرے گی. اس لیے بتائیں کہ ملک بھر میں جو کرونا ہے اس کی صورتحال تھوڑی سی اب تشویشناک ہو رہی ہے. مانا کہ ہم نے 55,000 کے قریب ٹیسٹ کر لیے ہیں, لیکن اب 4,601 لوگ جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ 2,269, سندھ میں 1,128, کے پی کے اندر 620, بلوچستان میں 219, اسلام آباد میں 107, گلگت بلتستان میں 215 ہیں, اور وہاں بھی خوشی کی خبر یہ ہے کہ 15 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں, اور آزاد جموں کشمیر میں یہ جو نمبر ہے 33 تک پہنچ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو بتائیں کہ جو سندھ میں سب سے پریشان کن بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ 868 افراد ایسے ہیں 1,214 میں سے کہ جن میں یہ وائرس مقامی طور پر منتقل ہوا ہے, اور یہی حکومت کہہ رہی ہے اس لیے آپ گھروں میں بیٹھیں. اگر ہم بات کریں عالمی سطح پر تو پریشانی کی بات بڑھتی جا رہی ہے. تقریباً 16,25,000 افراد جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں, اور 97,000 کے قریب جو ہیں وہ اموات عالمی سطح پر ریکارڈ کی گئی ہیں. ساتھ ساتھ ایک کل جو بڑی موت ہوئی تھی جو سی ایم صاحب کے ہمارے مراد علی شاہ کے جو بہنوں ہی ہیں ان کا انتقال ہوا. بظاہر کہ انہوں نے ریکوری حاصل کر لی تھی, لیکن جو کرونا کی جو چیز ہوتی ہے نا انہوں نے وہ مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے, تو وہ پھیپھڑوں کے ایک شدید مرض میں مبتلا ہو گئے, اور پھر جان مرنا ہو سکے. ہم اپنی ٹیم کی طرف سے جی ٹی وی کی جانب سے وزیرا سنگھ سے تعزیت بھی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وزیرا سنگھ کا اپنا بہنوئی جو کہ ایک بہت ہی اچھے اسپتال میں علاج کروا رہے تھے وہ جان بڑھ نہ ہو سکے. تو عوام خدا را گھروں میں رہیں, ایسا نہ ہو کہ پھر میڈیکل کی کوئی بھی سہولت ان کی جان کو بچا نہ سکے. بالکل اقدار, یہ وبا نہیں دیکھتی کہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر یہ وبا کسی کو لگ جائے تو اس کا جابر ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. سید محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن آپ بتائیے گا کہ کراچی شہر میں کیا صورتحال ہے؟ 8 سے 5 بجے تک جو نرمی کی جاتی ہے, جو دکاندار ہیں جو تاجر ہیں چھوٹے موٹے, وہ کس طرح سے جو لاک ڈاؤن میں اپنی دکانیں کھولتے ہیں ان کو کتنا خسارہ ہو رہا ہے؟ شائستہ عام دنوں میں تو 8 سے 5 کا ہی ٹائم ہے, لیکن جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے جو 12:30 سے 3:30 بجے تک بندش رہتی ہے, اس کے بعد 3:30 بجے سے 6:30 بجے تک کاروبار جاری رہ سکتا ہے, اور 8 سے 12:30 تک وہ معمول کے طور پر. یہاں پر سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جو صنعت کار ہیں اور جو مارکیٹس والے ہیں دکاندار ہیں انہیں سب سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن سے تقریباً 5 سے 6 روز قبل ہی ان کی مارکیٹیں بند کر دی گئی تھیں, مین مارکیٹیں بند ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو ان کا بزنس مشہور ہو رہا ہے, دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے روز ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پریشر بنا رہے ہیں سندھ حکومت کے اوپر کہ فوری طور پہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے یا پھر اس میں اتنی نرمی دی جائے کہ وہ لوگ اپنی مارکیٹیں کھول سکیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور یہی مطالبہ صنعتکاروں کا بھی ہے, دکانداروں کا بھی ہے. ان کا کہنا یہ کہ انہیں لاک ڈاؤن پہ اعتراض نہیں ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ جتنے تیزی سے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں, جو طبی ماہرین نے بھی مشورہ دیا ہے ایک ہفتے لاک ڈاؤن بڑھانے کا, تو وہ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن بڑھائیں, لیکن جس طرح انہوں نے سپر مارکیٹس میں یا چھوٹی بڑی دکانوں پہ عام مضافاتی علاقوں میں جتنی کثیر تعداد میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ جب ان علاقوں میں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ان مارکیٹوں میں اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا جائے تو اس پہ کیا اعتراض ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلی سندھ نے اپنی کابینہ سے مشاورت شروع کر دی اور اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے کہ وہ ان سے مشاورت کریں گے کہ کس طرح لاک ڈاؤن میں نرمی اختیار کی جائے اور ان مارکیٹس کو اور جو صنعت کار ہیں ان کی فیکٹریوں کو کھولا جا سکے. جی ٹھیک ہے محسن, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. مجاہد جعفری صاحب لاہور کے بیورو چیف ہیں. مجاہد صاحب, کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 52 قیدی ہیں جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے قیدیوں کا ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہونے کا, تو یہ خبر نئی نہیں ہے. اس بنیاد پہ حمزہ شہباز شریف نے باقاعدہ بیل اپلائی کی تھی جو انہوں نے بعد میں واپس لے لی. تو یہ معاملہ تو بڑی دیر سے چل رہا ہے. جیسا کہ ملک کے ہر شعبہ زندگی میں آپ دیکھ لیں مفلوج ہوئے پڑے ہیں, اور جہاں لوگ اب اکٹھے ہیں مجبوراً اکٹھے ہیں وہاں یہ گرو کر رہا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ یہ لوکلی بھی جنریٹ ہو رہا ہے, تو یہ پھیل رہا ہے لوکل لوگوں میں, تو یہ انتہائی خطرناک ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ اصل میں امپورٹ ہوا تھا ہمارے یہاں,
तो जब इम्पोर्ट होने के बाद ये लोकली फैलना शुरू हुआ है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका अंदाज़ा करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। तो इस पे फोकस करना चाहिए हमें बहुत, और लोगों को हुकूमत के साथ मुकम्मल तआवुन करना चाहिए। ठीक है, ब्यूरो चीफ क्वेटा हमारे शाहनवाज शामीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्वेटा शहर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा में अब तक जो है 220 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि एक जो है मौत हो चुकी है, जिसमें एक पहले तो ये रिपोर्ट आ रही थी दो है, तो बाद में जो पता चला कि दूसरा शख्स जो इंतकाल किया तो पहले से गुर्दे के मरीज थे और उनका इंतकाल हुआ है। अब तक एक जो है इसमें इंतकाल कर चुका, जबकि 220 इसमें जो है अब तक मुतासर है, जबकि इसके साथ ही अब तक जो सहतियाब हुए हैं वो 75 के करीब है, जो महकमा सेहत ने अब तक रिपोर्ट दी है। तो इस हवाले से अब तक जो केसेस का जो शरह है जो दीगर मुल्क के दीगर नस्बत क्वेटा में उसमें कम है, लेकिन कम है, लेकिन टेस्टिंग से जिस तरह अमल जिस तरह होता जा रहा है, इसका टेस्टिंग किया जा रहा है, तो क्वारंटीना में रखा जा रहा है, उसके बाद केसेस दिन में दो या तीन केसेस, चार केसेस, पाँच केसेस, तो ये चल रहा अब तक, मतलब पाँच छः से ज़्यादा ऊपर अब तक नहीं गया कि उसमें तेज़ी देखने को मिले। तो अब तक जो सूरत हाल है 220 केसेस हुए हैं, लेकिन उनमें खासकर यहाँ पर अब क्वेटा में जो अलमदार रोड है और हज़ारा टाउन, इनको तो पहले चीफ सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया था कि ये हमारे लिए इंतहाई अफसाफ इलाके, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से लोग ईरान जाते हैं और आते रहते हैं और इनका ज़्यादा आमदरफ रहता है। अलबत्त जो दीगर जो लोकल सतह पर भी अगर केसेस सामने हैं उनकी शर्रा भी उतनी ज़्यादा नहीं, अलबत्त तफ्तीश ना कर सके कि इस हवाले से अगर एहतियात ना किया जाए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर अगर क्वेटा समेत बलूचिस्तान की बात करें तो 33 अजला है हमारा, यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया। हम क्वेटा में देखते हैं तो लोग जो अब उसके आज देखने को जरा सख्ती मिली है, जो हुकूमत ने सख्ती से अहकाम जारी किए, लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, तो आगे में देखा जो नमाज जुमा हो या दीगर इज्तिमा हो, इस हवाले से कम लोगों को मसाजिद और इमाम बारगाह में इजाज़त दी गई है जाने के लिए, और जबकि जो तजारती मार्केट है, सब्जी मार्केट हो, गोश्त मार्केट हो, जरूरी अशिया खरीदने के लिए वहाँ पर भी सख्ती की गई है। बिल्कुल, खासकर बादशाह कास चौक के जो वहाँ पर मरकज है, यहाँ पर जो मार्केट के लोग ज्यादा यहाँ पे खरीदारी के लिए यहाँ पर मुकम्मल सील किया गया था। अगर बात अभी जो एक बड़ी बात जो गुजर होता वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान यहाँ आए थे, तो एक मसला यहाँ पर ये है कि जो लोगों के लिए। ठीक है शाहनवाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, इख्तदार आपसे जानना चाहेंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइएगा। आज देखिए हमारी कोशिश होती है कि हम नाज़रीन को लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह करें, तो दौरान प्रोग्राम ही हमारे पास एक अफसोसनाक खबर ये आई है कि चीफ सेक्रेटरी सिंह मुमताज शाह का जो ड्राइवर है उसमें कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंह के ड्राइवर मुमताज शाह के ड्राइवर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इनके ड्राइवर की दो रोज़ पहले तबीयत ख़राब हुई थी, उसने कहा था कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसे अस्पताल की तरफ रेफर किया, उसका टेस्ट किया गया और अब चीफ सेक्रेटरी सिंह के का जो ड्राइवर है उसका टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चीफ सेक्रेटरी सिंह को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, उनकी फैमिली को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और उनकी वो गाड़ी जिसको वो ड्राइव करता था उसे फौरी तौर पर खड़ा कर दिया गया है गैराज के अंदर ताकि उसमें फ्यूमिगेशन की जा सके, और जिन जिन वो लोगों से मिल रहा था अब उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो दौरान प्रोग्राम ये खबर मौसूल हुई है कि चीफ सेक्रेटरी सिंह के ड्राइवर को कोरोना वायरस हो गया है और उसको अब एक निजी अस्पताल में एक दफा फिर आपसे जानना चाहेंगे हमारे उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, एक बार फिर बता दीजिएगा इस ब्रेकिंग न्यूज से मुताल्लिक। देखिए चीफ सेक्रेटरी सिंह हैं मुमताज शाह, उनके ड्राइवर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंह के ड्राइवर की दो रोज कबल तबियत खराब हुई थी जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में जाने के लिए कहा गया था, तो अब वहाँ उसका टेस्ट हुआ और 48 घंटे बाद जिस तरह रिपोर्ट मौसूल होती है तो उसकी रिपोर्ट मौसूल हुई और उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तो चीफ सेक्रेटरी सिंह के जो मिलने जुलने वाले हैं जिनके साथ उन्होंने सफ़र किया उन सबको कॉल की जा रही है कि वो आएँ और आके अपना टेस्ट करवाएं। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंह को भी ये कहा गया है कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें क्योंकि वो गाड़ी में अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी उनकी, दो तीन दिन क्या अब पिछले 6 महीने से वो ड्राइवर उनके साथ था, तो अब ये थोड़ा सा
तशवीशनाक अमल है कि पहले सईद गनी मुब्तला हुए थे, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी सिंह का ड्राइवर जो कि 24 घंटे तकरीबन उनके साथ ही होता है, उसमें ये तशखीस हुई है और उसके मिलने जुलने वाले चीफ सेक्रेटरी साहब की फैमिली और दूसरे लोगों को भी कहा गया है कि वो अपना टेस्ट करवा लें। और जिस तरह से सईद गनी साहब रुबे सेहत हुए, हम ये दुआ करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध के जो ड्राइवर है वो भी रुबे सेहत हो जाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे। जिले हैदर की जानिब कोरोना मॉनिटरिंग सेल का रुख करेंगे। जिले आपसे जानना चाहूंगी कि देख रहे हैं हम कि जिन लोगों को इस्तिस्ना हासिल है उन्हें भी जगह जगह पर नाकों पर रोका जाता है, पूछगछ की जाती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ मालूम हुआ कि अगर इस्तिस्ना हासिल है तो ऐसा क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल, जब ये लॉकडाउन हुआ है तो उस पर जो है कई लोगों को, कई डिपार्टमेंट्स जो थे उनको इस्तिस्ना था, जिसमें मीडिया के नुमाइंदे थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, ख़ुद पुलिस एहलकार पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो जो है आराम से मूवमेंट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सही गाइड नहीं किया गया उन अफराद को जो कि नाकों पर मौजूद थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं जो कि अपनी ड्यूटियों पर वहाँ पर तैनात हैं, तो इसलिए वो तमाम ऐसे नुमाइंदे, मीडिया के नुमाइंदे जो कि वहाँ पर आते थे अपनी ड्यूटियों के लिए, जो कि वक्तन फ़वक्तन क्योंकि चैनल्स 24 आवर जो है वो ऑन एयर रहता है, तो मुख्तलिफ औकात में अपनी ड्यूटी पर आने वाले अफराद को जो है वो मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ है, आज भी कई मुकामात पे कई नाकों पे उनको रोका गया, उनको कार्ड दिखाने के बावजूद भी आगे जाने नहीं दिया गया, अपनी ड्यूटियों पे जाने नहीं दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी एक वाकया पेश आया था जब सिंध पुलिस का एक ASI था जिसे औरंगी टाउन के इलाके में रोक लिया गया था और वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सका था जबकि वो अपने यूनिफॉर्म में था। तो सही तरह से जो नाकों पर लोग मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको गाइड नहीं किया गया आला हुकाम की जानिब से, जिसकी वजह से ये मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो हमारी बात हुई पुलिस के आला काम से, उनका कहना यह है कि एक नई SOPs बनाई जा रही हैं जो कि तमाम नाकों को दी जाएगी, जो कि पेपर होगा, एक हैंडआउट होगा, वो वहां पे रखी होगी ताकि वहां पे जो तैनात एहलकार हैं वो उसको पढ़ के सही तौर पे शहरियों को जिनको इस्तिस्ना करा रहे उनको गाइड कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मुजाहिद जाफरी साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। मुजाहिद साहब, कुछ ये भी था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कैश जो है दूर तबका को, जो दिहाड़ीदार तबका है उन्हें प्रोवाइड करेगी, तो क्या कोई तरीक़ेकार तय पाया है वहाँ पर? देखें, अभी तक तरीक़ेकार तो तय पा रहे हैं और जो जितने भी ऐलानात हुए हैं उनके आखिर में होगा होगी तक ही बात है, इससे आगे अब बढ़ नहीं सकी है। दूसरी तरफ जो आप सवाल पूछना चाह रही हैं वो मैं आपको जवाब दे देता हूं कि हमारे यहाँ जो मजदूर तबका, जो दिहाड़ीदार, जो रूटीन में घर से काम करने निकलते हैं, किसी ना किसी मजदूरी करके, पेंट करके, कोई ना कोई मेहनत करके वो दिहाड़ी कमा कर लेकर आते हैं, यकीन करें कि उन लोगों को गवर्नमेंट के प्रोसीजर को किस तरह फॉलो करना है इसका अंदाज़ा भी नहीं है, पता होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी वजह से आप देखें कि आज भी लॉकडाउन के बावजूद भी काम भी बंद है, लेकिन मजदूर और दिहाड़ीदार लोग बाहर निकलते हैं कि कोई उन्हें ले जाए। दिन आमतौर पर होता था कि 8-9 बजे के बाद मजदूर तबका वापस चला जाता था, काम नहीं मिलता था। आज देखें 3-4 बजे शाम तक लोग आपको सड़कों पर मजदूरी के लिए बैठे मिलेंगे, ये सूरत हाल है मैडम। ठीक है, इंतज़ार हैदरी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इंतज़ार, आप बताइएगा कि आज जुमे का दिन था और लॉकडाउन में जिस तरह से कराची में, पंजाब में सख्ती की गई है, वहाँ पर शहरी इख्तदार में क्या सूरत हाल रही? देखें, जहाँ तक शहरी इख्तदार की बात है तो इस्लामाबाद के साथ सबसे बड़ा शहर रावलपिंडी लगता है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोगों की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा होती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम है फैज़ाबाद, वहाँ पर नाके लगाए गए थे ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को दूर रखा जा सके, खुसूसन बड़े जो जुमे के इज्तिमात हैं वो मुनक़िद ना हो सकें। लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से फैसल मस्जिद आती है और वो नमाज जुमा फैसल मस्जिद में आकर अदा करते हैं, लेकिन फैसल मस्जिद की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते थे उन्हें बंद कर दिया गया था और जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ एक जो बड़ी शाहरा है जिसे मरी रोड कहा जाता है, वहाँ पर तकरीबन फैज़ाबाद से 6th रोड तक तकरीबन कोई 6 से 7 नाके लगाए गए और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वहाँ पर वो मुतय्यन किए गए थे ताकि गैर मुतलका अफराद जो हैं वो मूवमेंट उनकी रोकी जा सके। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन
हम परसेंटेज अगर निकालें तो लॉकडाउन की जो इस वक्त यहाँ पर एहतियाती तदाबीर के साथ लोग घरों में रुके हुए हैं, तकरीबन इस्लामाबाद में 80% लोग जो हैं वो घरों में हैं, लेकिन 20% लोग जो हैं वो अभी भी शाहराहों पर नज़र आते हैं और गुज़िश्ता चंद दिन में ये रेशो जो है ये बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात करें रावलपिंडी की तो रावलपिंडी में अभी भी जो 40% आवाम है वो बाहर है, वो बाज़ारों में है, वो मुख्तलिफ शाहराहों पर चल रहे हैं, उनमें कुछ मनचले भी हैं, कुछ ज़रूरतमंद अफराद भी हैं जो वहाँ पर जाकर अपने काम भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदाबीर कही गई उन पर इतना अमल रावलपिंडी में नहीं हो रहा। एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी सड़कों पर है और हमें ऐसा लग रहा है, खुसूसन अगर आज की बात करें ना जुमा की, तो जुमा के बाद जगह पे इज्तिमात भी हुए हैं और कुछ उलमाए किराम की तरफ से ये वीडियो पैगामात भी जारी किए गए हैं। अच्छा। और उन्होंने इसरार किया है कि नमाज जुमा की नमाज जो है वो मस्जिद में अदा की जाए। तो एक तशवीशनाक बात ज़रूर है कि अवामी मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन अवामी मुहिम आम बंदे तक किस तरह से पहुंचे, आम बंदे तक किस तरह से इसका पैगाम पहुंचाया जाए, सबसे बड़ा जरिया एक आम आदमी तक पहुंचाने का वो मसाजिद का होता है। मसाजिद में जो खतीब हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, उनके काम हैं, लेकिन अगर वो खुद किसी भी वजह से अवाम को ये तरगीब देंगे कि वो मस्जिद आएँ तो जाहरी बात है कि हुजूम बढ़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे। इस्लाम जी इंतजार ये बताइएगा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन कर रहा है, क्योंकि रुकूम को जो बांटने का सिलसिला था वो शुरू कर दिया गया है, कलेक्शन पॉइंट्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? देखें बुनियादी तौर पे वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 2-3 बड़े इलाके हैं जहाँ पर ये एहसास प्रोग्राम जो है वो जो दोबारा से फंक्शनल हुआ है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो बाद में अब उसे एहसास का नाम दिया गया जी। तो बरी इमाम में आज इस हवाले से रकूम की जो तकसीम है वो हो रही है। इसके अलावा कमर्शियल मार्केट का एरिया है रावलपिंडी में सेटेलाइट टाउन, वहाँ पर भी रकूम की तरसील की जानी है आज। और उसके साथ साथ जो गोल्ला शरीफ की तरफ का एरिया है, मुजफाती इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ पर भी ये रकूम तकसीम की जानी है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो दीगर सेक्टर्स हैं, जो खुसूसन जी सेक्टर है, एफ सेक्टर है या ई सेक्टर है, ई सेक्टर और एफ सेक्टर में तो एक अच्छी आबादी रहती है, वहाँ पर अपर मिडिल क्लास रहते हैं या हायर क्लास रहती है, और जो जी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर वो अफराद हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं वो रहते हैं। अलबत्ता जो मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पर गरीब अफराद की एक तादाद रहती हैं जहाँ पर ये अब सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लेकिन एक जो अहम बात है वो मैं करना चाहूँगा आपके तवसुत से कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद का मुजाफाती इलाका है तरामड़ी, वहाँ पर 16 केसेज गुज़िश्ता रात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक 14 के बारे में बताया गया है कि उनमें कोरोना के हवाले से एक बात बताई गई है, लेकिन बात यह है कि एक परचून वाला था वहां पर, एक बंदा आया उसने वहां से अपना सामान लिया, फिर दूसरा आया, परचून वाले शख्स को दुकानदार को कोरोना वायरस था, उसे पहले इल्म नहीं हुआ, उसमें वो सिम्टम्स जाहिर नहीं हुए लेकिन उसे कोरोना था, जो लोग उससे खरीदो फरोख्त करते रहे हैं उनको उससे वो वायरस हो गया और अब वो इलाका जो है वो तकरीबन जुज़वी तौर पर वहाँ पर लॉकडाउन किया गया और वहाँ पर आमदोरफ जो है वो कम कर दी गई है और लोगों को ऐलानात किए गए हैं कि घरों में रहें। तो एक दुकान से अगर ये वायरस इस तरह से लोगों में वायरल हो सकता है तो फिर ख्याल किया जाए कि अगर आवाम की एक बड़ी तादाद बाहर होगी तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजार और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है ये इख्तदार, जिस तरह से कि इंतजार ने बताया कि 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक दुकानदार के जरिए ये ट्रांसमिट हुए हैं दूसरे लोगों में। आपसे इख्तदार ये जानना चाहूंगी कि कराची में ख़ास तौर पर जो कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से क्या खबरें हैं, लोगों को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा? देखिए कल से एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि जनाब सिंध हुकूमत सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, लेकिन बदकिस्मती से वही होता है कि जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं वो बज़ाहिर तो लग रहा है कि जो जिन है वो बदलने बंद है, लेकिन एक दूसरे के काम में रुकावटें ज़रूर खड़ी की जा रही हैं। कल से ही ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नर हाउस में मौजूद है, गवर्नर साहब ने सिर्फ इस पर एक दस्तखत करने, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा और 1 अप्रैल से लागू होगा। और ऑर्डिनेंस भी आप सुनिए, बच्चों की स्कूल फीस जो है वो 20% माफ़ करने के पाबंद होंगे तमाम प्राइवेट स्कूल, बिजली का बिल 1 से 260 यूनिट तक माफ़ करने की पाबंद होगी के इलेक्ट्रिक, पानी का बिल 80 गज के मकान पर माफ़ कर दिया जाएगा,
गैस का बिल 80 गज के मकान पे माफ कर दिया जाएगा। अगर आप किराएदार हैं और 1000 से लेके 50000 तक किराया भरते हैं तो ये ऑर्डिनेंस 3 महीने के लिए लागू होगा। आप अपने मालिक मकान को साफ कह दें आप 3 महीने तक किराया नहीं दे सकते, 3 महीने के बाद अदा कर देंगे। अगर आप 1 लाख किराया देते हैं तो 75,000 किराया देंगे, अगर आप 1 लाख से ऊपर किराया भरते हैं तो आपको उतना ही किराया भरना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक दस्तखत की देर है और ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। कल से आज तक वो दस्तखत गवर्नर साहब से नहीं हो पाए, 4 एतराज़ उन्होंने किए थे, वो एतराज़ भी सिंध गवर्नमेंट ने दूर किए। मिसाल के तौर पर पहले सिंध गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि 1 से 50,000 तक कराया बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कहा गया कि मालिक मकान जिनका गुजर बसर इस पे होता है वो क्या करेंगे, फिर कहा चलें इससे मौखर कर दें। फिर 1 लाख का जो कराया था उसे 25,000 कमी की बात की गई, उस पर गवर्नर साहब और सिंध हुकूमत की बातचीत हुई, उस पर एग्री हो गए। लेकिन अब सब चीज़ें एग्री करने के बाद जो अगर एक दस्तखत हो जाए तो वो सारे अमान मुझ जैसे आप जैसे जो सफ़ेद पोश हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल सकेगा ना, कम से कम यही रिलीफ मिल जाएगा कि वो 3 महीने बाद जो है वो चीज़ें अदा कर दें। आज भी अभी फिर हमारे पास एक खबर आई है कि PTCL ने बहुत सारे लैंडलाइन फोन जो है वो शहर में बंद कर दिए, ये कह करके जनाब आपने बिल अदा नहीं किया। जनाब बिल आपने पहुंचाया ही नहीं तो लोग अदा कैसे करते, PTCL के बिल मौसूल नहीं हुए और शहर में बहुत सारे जो टेलीफोन है उन्हें बंद कर दिया गया है। इस खबर का हम प्रोग्राम के बाद मजीद फॉलो अप लेंगे। लेकिन ये ज्यादती की बात है कि एक बंदा जो बिल भरना चाहता है अगर बैंक ना खुला हो तो वो क्या करे, जो इजी पैसा या इजी लोड की दुकानें हैं वो नहीं खुले तो वो क्या करे। तो बात सारी ये है कि सफेद पोश अवाम की रिलीफ के लिए ये जो सिंध कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस आ रहा है ये बहुत जरूरी है। हमारी इस प्रोग्राम की तवज्जो से दरख्वास्त है कि जो भी इख्तलाफात होंगे ठीक है आप लोगों के, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए इस तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल। मोहसिन भी हमारे साथ ही मौजूद है। मोहसिन, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो छोटे ताजर हैं जो दीगर मार्केट्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो 14 तारीख के बाद मार्केट खोल देंगे, दुकानें खोल देंगे, तो किस तरह से सोशल डिस्टेंस को जो है वो बरकरार रखा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? आज छोटे ताजिर जितना भी हैं क्योंकि उनकी लॉकडाउन से 5 से 6 रोज़ कब मार्केटें बंद हो चुकी थी। पहले उन्होंने 2 अप्रैल का कहा था, फिर उनको कहा गया कि 6 अप्रैल को खोलेंगे, फिर 14 दिन तक का जो लॉकडाउन बढ़ा दिया, अब वो 15 तारीख से फिर कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत उनके साथ मुशावरत करे, उनके साथ बात करे, इजलास करे, बैठ के उनके तहफ़ुज़ात सुने और उनसे पूछे कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको जिनके ज़रिए वो अपनी मार्केट में कारोबार जारी रख सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी तक किसी भी किस सतह पर उनकी कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। वो फिर बार बार यही बात कहते हैं कि जब सुपरमार्केट्स में या शहर के मजाफाती इलाकों में जो परचून की दुकानें हैं, जो गोश्त की मछली की दुकानें, जब वहाँ पर लोगों का जम्मे गफीर शॉपिंग कर रहा है बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के, तो इसी तरह जब वो अपनी मार्केट्स में कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर के साथ वो कारोबार शुरू कर सकते हैं तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो अभी तक यही कह रहे हैं कि उनके साथ मीटिंग्स की जाएँ। चैम्बर से उन्होंने बात करने की कोशिश की लेकिन चैम्बर ये कह रहा है कि हुकूमत उनकी बातें भी नहीं सुन रही। जो सनअतकार हैं वो खुद कह रहे हैं कि महदूद माने पे वो अपने लोगों को लाके पैदावारी अमल शुरू करना चाहते हैं ताकि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो उसको जारी रख सकें, उस काम को जारी रख सकें। अब हुकूमत काबीना से मशावरत करने के बाद ही ये बता सकेगी कि महदूद पैमाने पे किस तरह मार्केट्स खोली जा सकेंगी। जिस तरह हमने देखा कि सारे बैंक्स खुले हुए, बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बाहर उनके निशान बना दिए जाते हैं कि जहाँ पर फासला रखने के बाद क्लाइंट्स खड़े होते हैं, एक एक करने के बाद एक एक काउंटर पर क्लाइंट्स आते हैं। वो कह रहे हैं इसी तरह जो मोबाइल मार्केट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स हैं दीगर मार्केट्स हैं वहां पर भी वो कह रहे हैं कि जो फासला है वो मेंटेन रखने के बाद वो अपना कारोबार जारी रख सकते हैं, लेकिन उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। हो सकता है कि काबीना से मुशावरत के बाद वजीर आला इस किस्म का कोई ऐलान करें। जी यकीनन जो मुशावरत होगी और छोटे ताजर जो हैं जो परेशान हैं बहुत ज्यादा और जिस तरह से कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखकर हम जो है ये कारोबार चला सकते हैं, तो देखिए सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है। मोहसिन, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम में यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का, जो दीगर पैनलिस्ट है वो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्यूरो चीफ क्वेटा शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अस्पतालों में खास तौर पर क्या सूरत हाल है, जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं वहां पर सहूलियात हैं? जी शाहनवाज साहब से गालिबन राबता मुनक़ता हुआ, उनसे दोबारा राबता करने की कोशिश करते हैं। ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना मॉनिटरिंग सेल से। ज़िले, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी डकैती की वारदातें हैं सुनने में आ रही, गुज़श्त रोज़ भी एक वाक़या पेश आया है, क्या वजह है कि तबातुर के साथ इस तरह के जो केसेज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? जी देखें, डकैती की वारदातें अगर आप पिछले मवाजना किए जाए पिछले महीनों से, तो उसमें खातिरख्वाह कमी देखने में आई है। जहाँ तक नाकों की आपने बात की, नाके जो हैं वो मेन शाहराओं पे लगे हैं ताकि लोग जो हैं अपने दफातर या दूसरे गैर ज़रूरी काम से बाहर ना निकल सकें, लेकिन जो डकैती की वारदातें हैं या चोरी की वारदातें हैं, ये उनसे लिंक जो आबादीज़ हैं, आबादियाँ हैं या इलाके हैं, वहाँ पर ये वाक़ात जो हैं वो हो रहे हैं। इसी तरह जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटे मोटे ताजर हैं, जो कि आबादियों में अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार जारी रख रहे हैं, ये उन इलाकों में वाक़ात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर वाक़ात जो है वो कच्ची आबादियों से जो मुतासिल इलाके हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन रेशो जो है, जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, जो सीपीएलसी की रिपोर्ट के मुताबिक, डकैती, चोरी और दीगर वाक़ात जो है इसमें कमी देखने में आई है। जी ठीक है, शाहनवाज शामीर साहब क्वेटा से हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि क्वेटा शहर में ख़ासतौर पर जो तिब्बी सहूलियात हैं और जो अस्पताल हैं वहाँ पर क्या डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ्स हैं, उनको सिक्योर किया गया है? अजी, जिस तरह वो एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता दो दिनों से, तो आपने भी देखा कि हमने रिपोर्ट किया मुसलसल, लेकिन अब तक जो है वजीर आजम कल आए तो उन्होंने एहतजाज नहीं किया, तो ये यकीन दहानी उन्हें कराई गई थी कि हिफाजती किट जो इनके डिमांड है और मुतालबात है उन्हें पूरा किया जाएगा। तो अलबत्त अब उसे पूरा किया जा रहा है, क्योंकि क्वेटा में खासकर जो डॉक्टर्स हैं, 15 के करीब डॉक्टर्स मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से, जो सरकारी ओपीडीज और इमरजेंसी में ड्यूटी देते हैं, तो इस वजह से वो सरापा एहतजाज हुए थे और इस हवाले से अपना डिमांड रखा था। अब हालांकि डिमांड उनकी पूरी की जा रही है और अब जो एहतजाज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी दौरे पर आए थे, तो यहाँ पर हमने देखा डॉक्टर्स ने एहतजाज नहीं किया। अलबत्त इमरान खान की आमद से एक रोज़ कबल रात के अवकात डॉक्टर्स सीएम हाउस के सामने एक बार फिर धरना देकर वो बैठे हुए थे, लेकिन कल से हम देख रहे हैं। तो शाहनवाज, कहा ये जा रहा था कि उनको जो सहूलियात हैं और जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो लिबास हैं, वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? जी, अब सूरत हाल जिस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर अब एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन उन्हें जो है ना उस तरह तो डायरेक्ट डिलीवरी नहीं हो रही है, लेकिन अलबत्त ये है कि बातचीत हो गई है, तो जितना उनका डिमांड है अब ये हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जितने हमारे पास किट्स आ रहे हैं सब पाक फौज की जानिब से, आर्मी चीफ ने इसका जो है यहाँ पर बलूचिस्तान के लिए भेजा था, इस तरह चीन से हिफाजती किट्स आए, तो यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो तकरीबन जो है डॉक्टर्स को अब मिल रहा है, इससे पहले उन्हें नहीं दिया जा रहा था और इसी वजह से क्वेटा के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हुए थे। और इसके बाद जो सूरत हाल हमने देखी बहुत ज्यादा ही गंभीर हुआ। जहाँ तक आपने बात की सरकारी हॉस्पिटल में जो करंटीना सेंटर्स हैं या आइसोलेशन वार्ड है, आप देखिए कि गुज़िश्ता रोज ही वजीर आजम इमरान खान जब रोजा दौरे पर आए थे, हालांकि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमने नहीं देखा करंटीना सेंटर, आइसोलेशन वार्ड या ICU वहाँ पर बनाया गया हो। अब तक शेख जैद हॉस्पिटल और फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में जो मुतासरा जो हो रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से उन्हें वहां मुंतकिल किया जा रहा है, वहां पर इलाज हो रहा है। तो हमने देखा बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम को क्यों कर दौरा करवाया गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह तो हुकूमत बलूचिस्तान कर रही है कि जी नहीं वहां पर हम मरीजों को ले जा रहे हैं, लेकिन अलबत्ता जो है शेख जैद हॉस्पिटल, ठीक है, यकीनन ये सवालिया निशान है कि वहाँ पर मरीज तो जा रहे हैं लेकिन इंतजामात बेहतर नहीं है। लाहौर का रुख करते हैं, मुजाहिद जाफरी साहब हमारे साथ हैं। मुजाहिद जाफरी साहब, बताइएगा कि लाहौर में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कुछ शिकायतें आ रही थी कि मेयो अस्पताल में जो है वो सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है और जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है।
دیکھیں جہاں تک سہولیات کے فقدان کی بات ہے تو وہ پورے پاکستان کو یکساں صورتحال کا سامنا ہے جہاں بھی ہے، کیونکہ کیپیسٹی ہماری اور ملک اتنی ہے جتنی ہے، اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے میو ہاسپٹل کی، تو یہ پنجاب کا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں صرف لاہور کا لوڈ نہیں ہوتا، اس پر پورے پنجاب سے لوگ ریفر ہو کر آتے ہیں۔ سو جس ہاسپٹل پہ لوڈ زیادہ ہوگا وہاں آٹومیٹک سی بات ہے شکایتیں جنریٹ ہوئیں گی، تو یہ تو ہاسپٹلز کی چلتی رہتی ہے۔ آج جو بات قابل ذکر ہے، جو ہمارے لیے قابل توجہ اور متنبع بھی کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو میں، وہ یہ کہ جمعے کی نماز پر تو پابندی نہیں تھی، جمعہ کے اجتماعات پر پابندی تھی، اور تقریباً 95% سے زیادہ جگہوں پر جمعہ کے اجتماعات نہیں ہو سکے، لیکن کچھ جگہیں ایسی لاہور میں ہیں جہاں جمعے کے اجتماعات ہوئے ہیں۔ میں نے خود وزٹ کیے ہیں، ایون کہ انہوں نے 2-3 بچے مسجد کے گیٹ پر کھڑے کیے ہیں، جو لوگ اندر جا رہے ہیں ان کو وہ سینیٹائز کرتے ہیں ہاتھوں کو اور اندر بھیج دیتے ہیں۔ سو اس طرح کچھ جگہوں پر جمعے ہوئے ہیں لاہور میں۔ سو یہ بڑی خطرناک بات ہے جہاں پر ہوئے ہیں، اس کو پولیس کو، انتظامیہ کو، ان کو چیک کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا ہے مجاہد صاحب؟ دیکھیں جس مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں 20 لوگ بھی جمعہ پڑھنے چلے گئے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ ایک چھوٹے سے ہال میں 20 لوگ جمعہ پڑھے تو اس میں سوشل ڈسٹینس کتنا فالو کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ بڑی واضح ہدایت تھی گورنمنٹ کی کہ 3 سے 5 لوگ پڑھیں گے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ جمعہ کے اجتماعات ہوئے ہیں لاہور میں، مختلف جگہوں پر، اور وہاں لوگوں نے اسے فالو نہیں کیا، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے انتظامیہ کے لیے بھی اور اس کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے میں۔ یعنی انتظامیہ کو مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے ان دنوں میں؟ جی، مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہے۔ دوسری طرف جو تاجر اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس وائرس سے ڈیفینیٹ پریشان ہیں، ان کا کاروبار جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہے، آپ جتنی بڑی مارکیٹس ہیں وہ بند ہیں، ایون کہ چھوٹے کھوکھے جو پان سگریٹ وغیرہ سپلائی کرتے تھے وہ بھی بند ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، انڈر ہینڈ ان کا کاروبار ہو رہا ہے، مطلب ویسے تو رات کو دکانیں بند، 5 بجے 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن انڈر دا ٹیبل کچھ نہ کچھ کام چلتا رہتا ہے، وہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنا پہیا چلائے رکھنا ہے۔ اگر آپ انارکلی بازار میں چلے جائیں تو وہاں دکانیں بند ہیں، لیکن کچھ لڑکے ہاتھوں میں ہینگرز پکڑ کر آپ کو کپڑے بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، انہوں نے اپنی روٹی کھانی ہے بھائی۔ جو مزدور آدمی ہے، جو دیہاڑی کرنے آیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ حکومت کہے گی کہ ہم اسے 12,000 روپے دے دیں گے؟ بالکل، مجاہد صاحب آپ نے صحیح کہا، جو دیہاڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کا روٹی تو کھانی ہے، انتظار کرنا پڑے گا۔ اقتدار کی جانب جاؤں گی، اقتدار جس طرح سے کہ مجاہد صاحب فرما رہے ہیں، انتظار کرنا پڑے گا۔ مجاہد صاحب، وقت کی کمی ہے، تھوڑا سا اقتدار سے ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ اقتدار، بتائیے گا کہ جس طرح سے کہ مجاہد صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کو روزی کمانی ہے، جو تاجر برادری ہے وہ اسی لیے پریشان ہے، تو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے کوئی اسٹریٹجی پلان کر رہی ہے 14 تاریخ کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نرمی کی جائے گی لاک ڈاؤن میں؟ دیکھیں، کل کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی، اس میں دو باتیں جو ہیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو اس بات کا اقرار کیا گیا کہ چھوٹے تاجروں اور صنعت کاروں کا بہت پریشر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، 15 کی صبح ہم اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھول لیں گے، بلکہ بعض اوقات تو کہتے ہیں جی 14 کی رات سے ہی کھول لیں گے۔ لیکن جو چینی ماہرین آئے تھے سندھ میں، مختلف علاقوں میں گئے، انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے سنگین نتائج بھگتنے کا کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک دم سے لاک ڈاؤن ہٹا دیا۔ وہ کہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہٹاؤں گے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نکل کر مارکیٹوں میں جانب آئیں گے، تو انہوں نے کہا وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو وان سٹی کے اندر ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ اگر کھولنا بھی ہو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کھولیں۔ ایک تجویز جو میں پچھلے کچھ روز سے بتا بھی رہا ہوں، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، کہ روزانہ کراچی کے ایک ضلع کو جو ہے وہ کھولنے کی بات کی جائے گی، اسی طرح جو سندھ کے مختلف اضلاع مامی مارکیٹیں کھولنے کی اسی طریقے کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب ایکسپورٹ آرڈر کا جو پریشر ہے وہ صنعت کاروں کے اوپر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آرڈر پورا نہ کیا تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک بات ہے حکومتی امداد کی، بہت ہی سستی کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ عمل ہوتا ہے، گزشتہ رات کورنگی کے علاقے میں ہوا، لیکن وہاں بھی من پسند لوگوں کو
दिए जाने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। अभी भी माशाल्लाह से जो हमारी एनजीओज हैं वो उनका ज़्यादा काम करने का रहा है, चाहे वो सैलानी है, चाहे वो जेडीसी है या दूसरे ईदी हैं, छीपा हैं और दूसरे लोग हैं, छोटी एनजीओज हैं, वो अपनी इस्ताद के मुताबिक लोगों को काम कर रही हैं। लेकिन देखें ना, 17 मार्च से, जिस तरह मौसम जिक्र कर रहा था, 17 मार्च से लॉकडाउन है और आज 10 तारीख तक तकरीबन 23 रोज तो सिंध में हो गए हैं। और सिंध का जो लॉकडाउन है वो दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है और फिर उनमें कराची बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो बात सारी ये है कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन 23 दिन में हुकूमत की जानिब से जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगी, गा गी गो से आगे नहीं निकल पाए। मैं और आप बैठे हुए, हमारे ऑफिस में कितने सारे लोग हैं, हम जैसे लोगों को जो कहीं मांग भी नहीं सकते, उन्हें कितना रिलीफ मिला आपको सामने। मालिक मकान कहता है यार किराया दे दो, के इलेक्ट्रिक कहती है अच्छा इस महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दीजिएगा। बच्चों की स्कूल की फीस आ रही है, पानी के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, टेलीफोन के बिल आ रहे हैं, और अभी मैं और आप बैठे हूं और आपका मोबाइल बंद हो जाए तो लोड डलवाने के लिए कोई दुकान खोली भी नहीं है। तो बात यह कि पैसा और जो चीज मार्केटों में मौजूद है, जो जिस तरह जाफर साहब करें, जो छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी मोबाइल की केबल खराब हो जाए तो जो 100 रुपए की मिलती है वो 500 की मिल रही है। बात सारी ये है कि चीजें जो ब्लैक बाजार में चल रही हैं, लेकिन अब कुछ स्ट्रैटेजी सोचनी होगी, क्योंकि जिस तरह वजीरन साहब कहते हैं थोड़ा बहुत तो खुलवाना होगा, लोगों के पास अब खाने का ऑप्शन नहीं है, और अगर आपका बच्चा आपको सामने भूखा हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप कहते हैं जी हमें गोली मार दो, हम तो ये करेंगे काम। बिल्कुल इख्तदार, इंतजार से भी हम जवाब ले लेते हैं। इंतजार, विफाक में क्या सोचा जा रहा है? देखिए एक बात मैं आपको समझाऊं, जब कभी भी किसी भी एक पाकिस्तान के वफाकी वजीरे दाखला रिटायर्ड जनरल साहब थे, फौत हो गए थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा जब कभी कहीं कोई एमरजेंसी का नफाज किया जाता है ना, और अगर वो एमरजेंसी ज्यादा देर के लिए हो जाए तो वो एमरजेंसी हमेशा रूटीन में बदल जाती है। सो हमारे साथ भी वही हो रहा है, एमरजेंसी लगी है लेकिन अब ये रूटीन में बदल रही है और लोग इसीलिए खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत को इस बारे में लाजमी कुछ सोचना पड़ेगा टाइमली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की, याद किए, यकीनन सोचने का वक्त है ये और सोचना पड़ेगा। इंतजार बताइएगा कि विफाक में क्या सोचा जा रहा है, क्या तब्दीली लाने जा रहे हैं लॉकडाउन? देखें जहां तक विफाक की बात है, 14 तारीख तक हुकूमत इंतजार करेगी, उसके बाद फिर हुकूमत फैसला करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इस्लामाबाद में जो अब तक केसेस हैं वो 107 रिपोर्ट हो चुके हैं और 106 केसेस जो हैं वो उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में हैं। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद की आपको इंटरप्ट करूंगी, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। नादरा का डेटाबेस है जिसके अंदर हम पिछले 10 महीने से छानबीन करके वो जो सबसे गरीब घराने थे उनके हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, और मजीद अब SMS से लोग भेज रहे हैं, उस SMS को हम पर प्रोसेस आदरा के डेटाबेस से देखते हैं कि उनकी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो नहीं, कोई बिजनेसमैन तो नहीं, कोई फॉरेन ट्रेवल तो नहीं। तो जब हम फिर उधर हमारे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक करके देती है, तो हम सबसे मुस्तहक लोगों को पहले दे रहे हैं, और ये बदकिस्मती से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। हमारी कोशिश तो ये है कि हम इंशाल्लाह 14 के बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे। देहात के अंदर तो इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है साउथ पंजाब में, लेकिन ये जो लिस्ट है लोगों की जो जिनको जरूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए, ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। ये सारा पैसा जो दे रहे हैं ये सब उनके ऊपर खर्च होगा। सही, मजीद भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, एक कॉलर भी है साजिद तार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेलीथॉन में एक गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि 14 तारीख के बाद हम कंस्ट्रक्शन भी खोल देंगे। तो हमारे जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं मुल्क भर से वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, जिस तरह से कि मुजाहिद जाफरी साहब कह रहे थे कि यकीनन अब स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। इंतज़ार हम आपसे जानना चाह रहे थे कि विफाक में क्या सोचा जा रहा है, जिस तरह से कि अभी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 14 तारीख के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन भी खोल दी जाएगी, दीगर इदारे भी खोल दिए जाएंगे, तो क्या खबरें आपके पास हैं?
جی دیکھیں کنسٹرکشن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ایک ہفتہ پہلے بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اب انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ وہ کھول دیں گے تو 14 تاریخ کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تو ابھی تک لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ قدرے راول پنڈی سے بہتر ہے کہ تقریباً 70-80% افراد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور یہاں پر انہیں کافی حد تک سہولیات بھی ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر اور راول پنڈی میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، وہاں پہ 40-45% لوگ ابھی بھی مارکیٹس میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، وہ اپنی مزدوری کی تلاش میں ہیں، کیونکہ جو احساس پروگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ عوام کو 12,000 روپے پر منتھ پہنچائے جائیں گے تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، لیکن جو ایک عام دیہاڑی دار مزدور ہے اس نے ابھی اپنی مزدوری کمانی ہے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آیا، جیسے مجاہد جعفری صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کر لیا جائے گا، یہ ہو جائے گا اور کر لیا جائے گا، بہت بار کہہ چکے ہیں وزیراعظم بھی، ان کی کابینہ بھی، صوبائی حکومتیں بھی، لیکن کرنا کب ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر تو یہ شروع ہو جاتا تو شاید لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی اور لوگ از خود گھروں سے باہر نہ نکلتے، حکومت کو اب بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو کیسز کی تعداد بڑھی ہے وہ تشویشناک ہے، اسے روکنا ہوگا، لیکن یہ رکے گی تب ہی جب لوگ گھروں میں ہوں گے اور لوگ گھروں میں تب رہیں گے جب انہیں سہولیات فراہم کی جائیں گی، اس حوالے سے میکانزم بنانا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا، دیکھیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی مختلف اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن اعلانات تک ہی محدود نہیں رہنا پڑے گا، لیکن اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جرمنی سے پاکستانی صحافی حبیب بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جرمنی کی صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ حبیب صاحب فرمائیے گا کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے جرمنی میں؟ جی جرمنی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تو ابھی تک لاک ڈاؤن ہے، پچھلے 3 ہفتے سے صورتحال میں بہتری اس وقت اب آ چکی ہے، کیونکہ پہلا ہفتہ جو تھا بڑا سخت تھا، لوگوں کو پریشانی تھی خریداری کے حوالے سے، چیزیں سمجھنے کے حوالے سے، انہیں پتا نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ اٹلی کی جو صورتحال خراب ہوئی تھی تو یہاں پر لوگ پریشان تھے۔ تاہم حکومت کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا کہ حالات کو کنٹرول میں کر لیا جائے گا، صرف لوگ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، گھروں پہ رہیں، ڈسٹینس رہیں، تو اس کے بعد صورتحال اب بہتری کی طرف جاری ہے، لیکن لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے۔ اس کا فیصلہ بھی ایسٹر کے بعد جو ہے میٹنگ ہوگی جس میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی بلوچ صاحب لاک ڈاؤن تو جاری ہے، لوگ پابندی کر رہے ہیں؟ جی جی، یہاں پر تو بہت سختی سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ جب حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ آپ ڈسٹینس رہیں، 2 سے زیادہ افراد باہر نہ جائیں، ایک ساتھ نہ جائیں، اور جو مالز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، وہ بالکل بند ہوئے، تو اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، لوگ گھروں پہ رہتے ہیں، اگر کوئی کام پہ جاتا ہے تو اسے اجازت ہے، لیکن کچھ ایسے بھی کام ہیں جو گھروں پہ رہ کے کر سکتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو یہاں ترجیح دیتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں۔ بےروزگار بہت زیادہ لوگ ہوئے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے یہاں پر بےروزگاری الاؤنس بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کام کرتے ہیں اور 2 یا 3 ہفتے کے لیے چھٹی لیتے ہیں یا گھر پہ بیٹھتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو اس کے 68-70% آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی پینک جو اور ملکوں میں ہے، یا خاص کر پاکستان سے ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کی صورتحال اس حوالے سے کافی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، حبیب بلوچ صاحب جو کہ جرمنی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ملک بھر سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ضلع حیدر کرونا مانیٹرنگ سیل سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ امتیاز حیدری موجود تھے، انتظار حیدری اور جعفری صاحب، مجاہد جعفری صاحب، شاہ نواز شاہ امیر موجود تھے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اقدار انور موجود تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہو گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے اور احتیاط کیجیے، کیونکہ احتیاط میں ہی زندگی ہے۔ شائستہ اقبال اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔